हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आवर चैनल प्रीति सिंगिंग शेफ़। आज हम आपके लिए वेजिटेबल बॉल्स लेके आए हैं जो बहुत ही यमी हैं। आपने कई तरह के पकोड़े खाए होंगे, पर इस तरह से आप एक बार बना के देखिए और खा के देखिए। तो आइए इसकी हम प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बोल में 2 स्पून के करीब बेसन लिया है। मैंने बड़ी स्पून यूज़ की है यहाँ पे, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। और उसमें मैंने 1 स्पून रवा डाला है, 1 स्पून मैं इसमें कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा आधा डाला है, आधा और ऐड कर देंगे बाद में। अब इसमें हम बारीक कटी हुई मेथी डाल रहे हैं, जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैं हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मटर, हरी मटर क्रश करके यूज़ कर रही हूँ इसमें। और आलू को मैंने, कच्चे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है और उसका सारा पानी निकाल लिया है दबा के अच्छे से। चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ इसमें, हर्ब्स, चिली फ्लेक्स आप सब ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और आप इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हल्दी, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये सब डाली हुई है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। इसको हमको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूखा ही मिक्स करेंगे हम, क्योंकि आलू में और मटर में वैसे भी पानी होता है थोड़ा सा। और अब यहाँ पे हम इनो डाल रहे हैं इसमें फ्रेंड्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए आप तभी इनो ऐड करिए, और उसके बाद इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पहले से तेल गरम कर रखा है, और अब आप देख रहे हैं ये जो बैटर बनाया है इसके अब हम बॉल्स डाल रहे हैं इस तरीके से। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये बॉल्स। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। और दूसरा, इसका जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं, आप उस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी तो फ़िलहाल अपन इसकी ड्रेसिंग करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली हुई है और इसको मैं सॉस लगा रही हूँ इसमें, और ये पकौड़े रख रही हूँ जो बहुत ही यमी बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब ज़रूर से बना के देखिए और खा के देखिए, और इस पकौड़े का नए टेस्ट का मज़ा लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।